आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई ने भारत में आम आदमी की थाली को प्रभावित किया है, लेकिन किसानों के लिए राहत की खबर आई है। रूस पूरी दुनिया का 30% गेहूं उगाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात निर्यात बिल्कुल बंद होने से भारत के गेहूँ की जो मांग है वो बढ़ गई है। भारत में गेहूँ का भाव 30 रुपये किलो के पास जा पहुँच चुका है। गेहूँ की कीमत पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। 19 रुपये प्रति किलो बिक रहे गेहूं का भाव बढ़कर आज 28 से 30 रुपए तक जा पहुंचा है। किसानों के खेतों से निकलकर बाजार तक गेहूं पहुंचा रहे हैं, लेकिन 26 रुपए किलो के हिसाब से व्यापारी इसे ले रहे हैं। व्यापारी मुनाफा जोड़कर 28 से 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। दोनों देशों में जारी जंग से खाने पीने के कई और सामान भी महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की थाली पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। बता दें, दोनों देशों की लड़ाई के नहीं रुकने पर गेहूँ की कीमत में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वहीं सरकारी मूल्य पर गेहूँ की खरीद 2015 रुपये है। गेहूं का MSP से ज्यादा बिकने पर किसानों को राहत मिलती नजर आ रही है। शुरुआती दौर में गेहूं का भाव बढ़ना किसानों के लिए राहत की बात है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर हर किसी पर हो रहा है। खाने पीने का हर सामान महंगा होता जा रहा है और गेहूं का भाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भाव बढ़ने से घर के बजट पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। घरेलू बजट में आम आदमी कटौती को मजबूर हो गया है। पहले और अब में गेहूँ के भाव का अंतर 8 से 10 रुपये प्रति किलो का हो चुका है। तो ये थी बात कि कैसे रूस और यूक्रेन की जंग से गेहूं का जो दाम है भारत में आसमान छू रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आयात निर्यात बिल्कुल बंद होने से भारत के गेहूं की मांग बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।